हेलो एवरीवन, सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर डेट इज़ डिसइंफेक्शन। ठीक है, ओके। सो डिसइंफेक्शन क्या है? ये आपका मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म नोन एज पैथोजेंस। सो जो भी पैथोजेंस रहते हैं, हमने वाटर क्वालिटी में पढ़ा था कि पैथोजेंस को डिटेक्ट कैसे करते हैं, ई कॉली से। ठीक है, इसमें ई कॉली में ई कॉली इंडेक्स आता था, ई कॉली इंडेक्स एंड एमपीएन नंबर ये आता था। ठीक है, जैसे ही कुछ आपका पैथोजेंस या कुछ भी आया ना, तो पुराने टॉपिक से जो रिलेट करे तुरंत तो उसका रिवाइज कर लिया करो। ई कॉल इंडेक्स का इसका रेंज रहता था लेस देन 1 नंबर रहता था, एमपीएन का आपका 0 रहता था। ठीक है, ये एक बार इसका रेंज चेक कर लेना। सो ये आपका पैथोजेंस रहता था, ये आपको हेल्थ को ख़राब कर सकता है। तो डिसइंफेक्शन क्या है? ये जो इसको पैथोजेंस है इसको अगर डिस्ट्रॉय करे उसको हम आपका डिसइंफेक्शन बोलते हैं। तो डिसइंफेक्शन के थ्रू पैथोजेंस को हम किल कर सकते हैं। टू किल वाटर अगेंस्ट फ्यूचर पॉसिबल पोटेंशियल कंटामिनेशन। अब जब पानी है, पानी उसमें पैथोजेंस है, उसको किल तो कर दिया डिसइंफेक्शन से, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में भी वापस पैथोजेंस आ जाए। सो डिसइंफेक्शन ऐसा रहना चाहिए कि फ्यूचर में भी वो प्रोटेक्ट करके रहे, है ना, रेसिडुअल पावर रहे उसके पास। ओके, सब्सटेंसेज यूज टू कैरी आउट डिसइंफेक्शन आर नोन एज डिसइंफेक्टेंट्स। जिस कंपोनेंट से हम डिसइंफेक्शन का प्रोसीजर करते हैं उसको डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। जो भी केमिकल या जो भी सब्सटेंस हम पानी में डालते हैं डिसइंफेक्शन के लिए उसको डिसइंफेक्टेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये आपका मेनली जो डिसइंफेक्शन है इसमें थ्योरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल से ज़्यादा पूछता है। न्यूमेरिकल है जो 2-3 न्यूमेरिकल है, लेकिन स्टिल आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए डिसइंफेक्शन होता है क्या, क्या क्या टाइप्स है, थोड़े बेसिक्स पता रहना चाहिए। सो अगर आप थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस नहीं भी दोगे, जल्दी स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। ओके, सो मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, तो इसमें 2 मेथड आते हैं, फिजिकल मेथड और आपका केमिकल मेथड। फिजिकल में आता है यूजिंग हीट एनर्जी एग्जांपल बॉइलिंग एंड यूजिंग लाइट एनर्जी एग्जांपल यूवी रेट। अब जो केमिकल में उसका एक्सेस लाइन आ जाता है, सर्फेक्टेंट्स, आपका मेटल आयंस, पोटेशियम परमैंगनेट, ओजोन, हेलोजन ग्रुप ऑफ केमिकल्स। इसमें आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन आ जाता है। ठीक है, 1 बाय 1 थोड़ा देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उसको ब्रीफ में देखेंगे, जल्दी बढ़ जाएंगे। जो आराम से देखेंगे वो समझ जाना कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चंस आएगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट है आपका फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में फर्स्ट है बॉइलिंग। आप देखे होंगे बचपन में या अभी भी जब भी पानी गंदा आता है तो पहला आपका ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो आपके पेरेंट्स रहेंगे वो बोलेंगे कि पानी को गर्म करके पी लो, उससे जो भी पैथोजेंस है वो किल हो जाते हैं। सो ये क्या होता है, अप टू 60 डिग्री सेल्सियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, 60 डिग्री तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाती हैं। तो जब हम बॉईल करते तो उससे ज़्यादा ही करते हैं ना, उससे ज़्यादा टेम्परेचर पे करते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस इज ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो 40 डिग्री सेल्सियस में अगर है आप पानी का टेम्परेचर या एंड सराउंडिंग का, सो उसमें पैथोजेंस के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा खासा एनवायरनमेंट रहता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है ग्रोथ के लिए। 70 to 80 डिग्री ऑप्टिमम फॉर किलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किलिंग करना तो 70 से 80 डिग्री। जो बॉइलिंग है वो बेस्ट मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग है, बट रेसिडुअल पावर है ना, नो रेसिडुअल पावर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगर आप बॉयल कर रहे हैं कुछ छोटे अमाउंट ऑफ पानी के लिए करें तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ पानी को कर रहे हैं ना तो लार्ज स्केल अनइकोनॉमिकल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हीट चाहिए रहता है, तो लार्ज अमाउंट के लिए आपका अनइकोनॉमिकल हो जाता है। ठीक है, और नो रेसिडुअल पावर। नेक्स्ट है यूवी ट्रीटमेंट, इंस्टेंट किलिंग, इंस्टेंट किल करता माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कॉस्टली एंड नो रेसिडुअल पावर, इसमें भी रेसिडुअल पावर नहीं है, ये कॉस्टली है। अब आपका नो सेकेंडरी प्रॉब्लम फॉर एनी अमाउंट ऑफ यूवी एक्सपोजर। हम बचपन से पढ़े हैं कि यूवी है, यूवी प्रॉब्लम है, उससे एज अ ह्यूमन बीइंग हमको प्रॉब्लम होता है ना, स्किन प्रॉब्लम हो सकता है या कैंसर हो सकता है, दुनिया भर का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे यूवी से क्या प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब पानी है ना, पानी में जो पैथोजेंस को किल कर रहा है अगर यूवी से, तो उसमें पानी को कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, नो सेकेंडरी प्रॉब्लम फॉर एनी अमाउंट ऑफ यूवी एक्सपोजर। ठीक है, अब इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है एल एन एन नेचुरल लॉग, एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के आई टी। ओके, एन टी क्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वाटर आफ्टर टाइम टी, टी टाइम के बाद नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितना परसेंट है, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम होता जा रहा है ना धीरे धीरे, विद टाइम कम होता जा रहा है यूवी के कारण। के आपका कांस्टेंट हो गया, आई आपका इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेडिएशन हो गया, इंटेंसिटी ऑफ यूवी रेडिएशन। ये माइक्रोमीटर पर सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन ये माइक्रोवॉट है, माइक्रोवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ एक करेक्शन है। ऑल्दो इससे न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है, लेकिन स्टिल ये आप देख लेना। ठीक है, टाइम आपका डिटेंशन टाइम या टाइम ऑफ एक्सपोजर। ठीक है, ये हो गया, तो एल एन टी बाई एन नॉट इज इक्वल टू माइनस के आई टी। ओके, इसको ये भी लिख सकते हैं एन टी बाय एन नॉट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस के आई टी, या फिर एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस के आई टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंशियल डिके फॉलो करता है। ये आपका ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। आगे भी देखेंगे सेम रहेगा, लेकिन आपका एक टर्म इसमें नहीं रहेगा। आगे देखते हैं, ये यूवी के लिए ऐसा है ना। तो ये आपका माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर, सॉरी माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेकंड, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर पर माइक्रोवाट। ठीक है, ऑब्वियसली डायमेंशनलेस रहेगा, उस हिसाब से के का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना के का यूनिट क्या आएगा। ओके, नेक्स्ट आपका है केमिकल मेथड। पिछला था जो बॉइलिंग और यूवी ट्रीटमेंट, वो आपका फिजिकल मेथड था। अब नेक्स्ट है आपका केमिकल ट्रीटमेंट। इसमें फर्स्ट है एक्सेस लाइम ट्रीटमेंट। अगर हम एक्सेस लाइम आपका वाटर में ऐड कर रहे हैं, उस अगर पीएच 9.4 के अबव है और उसमें एक्सेस लाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, सो नंबर ऑफ माइक्रोइज्म वाटर कितने रहेंगे, वो आपके जीरो रहेंगे। इंपॉर्टेंट 9.4 के अबव हमें एक्सेस लाइम सप्लाई करना है। इसमें भी नो रेसिडुअल पावर है ना। सर्फेक्टेंट्स आपका सरफेस एक्टिव केमिकल सब्सटेंस रहता है, एग्जांपल सोप, डिटर्जेंट, फिनॉल, इसमें भी नो रेसिडुअल पावर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आगे जल्दी जल्दी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रीटमेंट विद मेटल आयंस, मेटल आयन है तो सिल्वर, कॉपर हो गए। सिल्वर और क्या है, सिल्वर और कॉपर क्या है, आजकल बहुत कॉस्टली हो गए, इसमें भी नो रेसिडुअल पावर। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विथ सिल्वर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस, अगर सिल्वर से ट्रीट कर रहे हैं तो। ठीक है, ये हुआ, इसको याद नहीं करोगे तो भी चलेगा। ट्रीटमेंट विद पोटेशियम परमैंगनेट, wells in rural areas are disinfected with KMnO4 potassium permanganate, it is a slow process, है तो एक दिन से दो दिन, मतलब 24 घंटे से 48 घंटे का समय ले सकता है। ओके, ये चीप है और इसमें भी रेसिडुअल पावर नहीं है। तो अभी तक जितने भी देखे उसमें किसी में रेसिडुअल पावर नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है आपका ओजोन। नोन एज, अगर ओजोन से हम पैथोजेंस को किल कर रहे हैं या उससे डिसइंफेक्शन प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये आपका प्रोसेस हो जाएगा ओजोनाइजेशन। इंस्टेंट किल और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट किल, लिटिल रेसिडुअल पावर। ओजोन में लिटिल रेसिडुअल पावर है, अभी तक जितने भी पढ़े हैं उसमें नो रेसिडुअल पावर था, इसमें ही बस लिटिल रेसिडुअल पावर है। इम्प्रूव टेस्ट, रिमूव कलर एंड ऑर्डर, ठीक है। अनस्टेबल, ये आपका अनस्टेबल रहता है ओजोन, अनस्टेबल, तभी आपका ओजोन लेयर डिप्लीट होते जा रहे हैं ना। ठीक है, अनस्टेबल, सो वी हैव टू जनरेट, हैंस कॉस्टली, इसको हम अनस्टेबल है तो जनरेट करना पड़ा, तो हमें क्या है, कॉस्टली पड़ रहा है। ओके, लास्ट है हेलोजन ग्रुप ऑफ केमिकल्स। कौन कौन सा हेलोजन यूज़ करते हैं हम, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। सो आयोडीन और ब्रोमीन नहीं है, ये लिमिटेड अमाउंट है, नॉट अवेलेबल ऑन लार्ज स्केल, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो मोस्ट वाइडली हम यूज़ करते हैं क्लोरीन, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोरीन। तभी भी आप देखेंगे स्विमिंग पूल में उसको बोलते हैं क्लोरीनेटेड वाटर है, क्यों, क्योंकि हम क्लोरीन से ट्रीट करते हैं, है ना। एडिशन ऑफ क्लोरीन और इट्स कंपाउंड्स, या तो क्लोरीन को डायरेक्टली ऐड कर दो या तो उसके कोई कंपाउंड ऐड कर दो टू द वाटर टू कैरी आउट डिसइंफेक्शन इज नोन एज क्लोरोनाइजेशन। ठीक है, अगर आप डिसइंफेक्शन के लिए या तो क्लोरीन या उसके कोई कंपाउंड को ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा क्लोरोनाइजेशन, है ना। सॉरी, क्लोरोनाइजेशन नहीं, क्लोरीनेशन हो जाएगा, क्लोरीनेशन। ओके, क्लोरीनेशन अब क्या होता है, इसको सपोज Cl2 ऐड किए प्लस H2O, तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, HOCl प्लस HCl, ये बना HCl। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे हाइड्रोलाइजेशन, अब जो HOCl है, ये आपका H+ भी दे सकता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, H+ प्लस OCl माइनस, ये आपका आयोनाइजेशन, आयन फॉर्म्स हो रहे हैं ना, तो आयोनाइजेशन, ये हाइड्रोलाइजेशन, ये आयोनाइजेशन। अब HOCl एंड HOCl टुगेदर नोन एज फ्री क्लोरीन, हमें क्लोरीन HOCl से भी मिल सकता है या OCl माइनस से भी मिल सकता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, तो दोनों से हमें क्लोरीन मिल रहा है, टुगेदर नोन एज फ्री क्लोरीन और फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन। इसको हम फ्री क्लोरीन बोलते हैं, फ्रीली अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। HOCl जो है वो 80 टाइम्स पावरफुल है OCl से, OCl माइनस से, क्यों, OCl माइनस में आपका चार्ज है, चार्ज जो है ना वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके, सो HOCl है वो 80 टाइम्स मोर पावरफुल है इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन, है ना, पावरफुल तो है लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, इन केस ऑफ डिसइंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ओके, सो अभी हम लिखे थे जो, ठीक है, इसको थोड़ा अलग में देखते हैं। अब क्या अलग में देखे, थोड़ा टाइम लगा रहे, मतलब क्या हुआ, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या था, HOCl रिवर्सिबल H प्लस प्लस OCl माइनस, जो ऐसे HOCl और OCl माइनस क्या है, ये आपका फ्री क्लोरीन या फ्री रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, तो इसमें जो K है ये क्या हो जाएगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन बाय OCl माइनस बाय HOCl, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस OCl माइनस HOCl, ये कॉन्सेंट्रेशन किस में है, ये आपका मोल्स पर लीटर में है, ध्यान रखना, मोल्स पर लीटर। ओके, अब क्या करें हम, अब इसको K बाय एच प्लस ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू ओ सी एल माइनस बाय एच ओ सी एल ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इससे क्या हुआ, जो ओ सी एल माइनस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H प्लस के, ठीक है, और जो एच ओ सी एल है, जो एच ओ सी एल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा H प्लस के, ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो H प्लस है ना, H प्लस को क्या लिखते हैं पी एच में, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, ठीक है, तो मतलब पी एच को क्या बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, माइनस है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू H प्लस, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ये क्या हो जाएगा पी एच के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ओ सी एल माइनस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एच हो जाएगा, और यहाँ पर H प्लस है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी एच के, मतलब एच ओ सी एल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच, ये हो गया, ठीक है। अब इस कंपाउंड में हमें पता है एच ओ सी एल और ओ सी एल माइनस, यही आपका डिसइन्फेक्शन का रीज़न है, तो हम परसेंटेज एच ओ सी एल निकालेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है दोनों में से, आपका एच ओ सी एल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो सपोज हमें परसेंटेज एच ओ सी एल निकालना है, सपोज हमें परसेंटेज एच ओ सी एल निकालना है, सो इसको क्या लिखेंगे एच ओ सी एल, जो ट्रीटमेंट हो रहा है किसके कारण हो रहा है, आपका एच ओ सी एल के कारण हो रहा है और ओ सी एल माइनस के कारण हो रहा है, तो ये दोनों में परसेंटेज एच ओ सी एल डिवाइडेड बाय एच ओ सी एल प्लस ओ सी एल माइनस, ठीक है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, या ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो इसको कंफ्यूज मत होना, यह कॉन्सेंट्रेशन है। अब क्या करें, एच ओ सी एल कॉमन ले ली यहाँ से भी, या डिवाइडेड बाय एच ओ सी एल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों की, तो 1/1 प्लस ओ सी एल माइनस बाय एच ओ सी एल, ये हो गया। लेकिन ओ सी एल माइनस बाय एच ओ सी एल क्या है, ये आपका ओ सी एल माइनस बाय एच ओ सी एल ये आपका के बाई एच प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस के बाय एच प्लस, ये हो गया। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका परसेंटेज एच ओ सी एल इज इक्वल टू 1/1 प्लस के बाय एच प्लस, ओके, इंटू 100, ठीक है, ये हो गया, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन हो गया। H प्लस क्या है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच हो गया, मतलब अगर H प्लस आपका इंक्रीज हुआ तो पी एच क्या होगा, ये आपका कम होगा, ठीक है, ये आपका कम होगा। अब पी एच प्लस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच ओ सी एल, ये हम देखे थे एच ओ सी एल तो जो था प्रीवियसली देखे थे ना, एच ओ सी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस, प्रीवियस आप पीछे जाके देख सकते हैं, ये आया था H प्लस इज इन्वर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच, मतलब पी एच अगर कम करेंगे तो एच ओ सी एल बढ़ेगा, मतलब एसिडिक के लिए आपका एच ओ सी एल ज़्यादा होगा, एसिडिक के लिए एच ओ सी एल ज़्यादा होगा। और परसेंटेज एच ओ सी एल निकाले एच ओ सी एल और ओ सी एल माइनस में, तो यह जाएगा 1/1 प्लस के एच प्लस, मतलब के तो आपका कांस्टेंट है, एच प्लस किस पर डिपेंड कर रहा है पी एच पे, मतलब परसेंटेज एच ओ सी एल किस पर डिपेंड करेगा, ये ओनली पी एच पे डिपेंड करेगा, या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस या आपका पी एच, ठीक है, ओके। अब आपका ठीक है, तो यहाँ पर हम देख चुके थे एच ओ सी एल इज इक्वल टू एच प्लस प्लस ओ सी एल माइनस, तो के एच प्लस ओ सी एल माइनस बाई एच ओ सी एल, तो इसको के बाई एच प्लस हो गया था, एच प्लस को इधर ट्रांसफर किया तो ओ सी एल माइनस बाई एच ओ सी एल, और ओ सी एल इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस हो गया, लेकिन एच प्लस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच है, तो ये क्या हो गया, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। वैसे ओ एच ओ सी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच प्लस है, लेकिन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच है, तो एच ओ सी एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी एच हो गया, ठीक है, मतलब पी एच कम हुआ तो एच ओ सी एल ज़्यादा होगा, एसिडिक के लिए पी एच एच ओ सी एल ज़्यादा होगा। अब परसेंटेज एच ओ सी एल देखना है, डिसइन्फेक्शन किसके कारण हो रहा है, एच ओ सी एल या आपका ओ सी एल माइनस, सो परसेंटेज एच ओ सी एल देखना है, तो एच ओ सी एल बाई एच ओ सी एल प्लस ओ सी एल माइनस इंटू 100, तो ये आपका डिवाइड बाई एच ओ सी एल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों कर दिए, तो 1/1 प्लस एच ओ सी एल, सॉरी ओ सी एल माइनस डिवाइड बाई एच ओ सी एल, ये हो गया। लेकिन ये क्या है, ये तो आपका के बाई एच प्लस है ना, तो 1/1 प्लस के बाई एच प्लस इंटू 100, ये हो गया, ओके। अब क्या है, एच ओ सी एल एच प्लस ओ सी एल माइनस हो गया। अब हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ओ सी एल निकालना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ओ सी एल, तो यह जो क्या हो जाएगा, डोज ऑफ सी एल टू, डोज ऑफ सी एल टू इंटू परसेंटेज एच ओ सी एल। हमें एच ओ सी एल और ओ सी एल माइनस किससे मिला था, जब सी एल टू वाटर से रिएक्ट कर रहा था, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, सी एल टू पे डिपेंड कर रहा है, तो डोज ऑफ सी एल टू इंटू परसेंटेज एच ओ सी एल, तो क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ओ सी एल, सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच ओ सी एल इज इक्वल टू डोज ऑफ सी एल टू इंटू परसेंटेज एच ओ सी एल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पढ़े थे, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना ज़्यादा एच ओ सी एल होगा, तो 0 to 5.5 है, मतलब एसिडिक है तो ओनली एच ओ सी एल होगा, 5.5 to 7.5 एच ओ सी एल तो होगा, वो ग्रेटर होगा, लेकिन ओ सी एल माइनस भी होगा, ठीक है। अब 7.5 to 10.5, अब बेसिक की तरफ चले जा रहे हैं, तो बेसिक में दोनों प्रेजेंट होगा, लेकिन ओ सी एल माइनस ज़्यादा होगा। अब बेसिक अगर हाईली स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो आपका OCl माइनस बस रहेगा, HOCl प्रेजेंट नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, इस पर न्यूमेरिकल आए अच्छे खासे, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लोरीन डिमांड ऑफ वाटर। सो जो क्लोरीन है आपका वो चीप है, वेरी हाई रेसिडुअल पावर है, वेरी हाई रेसिडुअल पावर है इसमें। तो अब तक जो देखें ओजोन में आपका लिटिल रेसिडुअल पावर था, जो आपका क्लोरीन है आपका हाई रेसिडुअल पावर है। बस ये दोनों याद रखना, बाकी सब जितने भी हैं उसमें नो रेसिडुअल पावर है ना, इसको छोड़ के जितने भी हैं उसमें नो रेसिडुअल पावर। ओके, तो इसीलिए चीप है, वेरी हाई रेसिडुअल पावर है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन यूज़ करते हैं। ओके, अमाउंट ऑफ क्लोरीन कंज्यूम्ड इन वाटर इज नोन एज क्लोरीन डिमांड विथ वाटर। सपोज आपको भूख लगी है, आपकी कैपेसिटी है कि 4 रोटी आप खा सकते हो। सो आपका डिमांड कितना है, आप कितना डिमांड करोगे? आप 4 रोटी का ही डिमांड करोगे ना। आपको पता है जब मेरे को 4 रोटी का ही भूख है, कितना भूख है, उससे ज़्यादा मैं नहीं खाऊंगा। तो आपका डिमांड कितना हुआ? 4 रोटी हुआ। ओके, फर्स्ट इट रिएक्ट्स विथ आयरन एंड मैंगनीज, पहले वो आयरन मैंगनीज से रिएक्ट किया, इट ऑक्सीडाइजेज, वो ऑक्सीडाइज होता है, देन इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, उसके बाद अमोनिया से रिएक्ट करेगा, एंड फाइनली रिएक्ट्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ये ABCD क्या है वो देखते हैं, एंड फाइनली रिएक्ट्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसको कैसे याद रख सकते हैं? IM है ना, आई के साथ क्या आता है, हमेशा एम आता है। कुछ लोग IM कैसे लिखते हैं? IM ऐसे भी लिख सकते हैं, सो IM AM, ठीक है। सो ये आई टर्म हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। तो IM से क्या याद आएगा आपको? आयरन एंड मैंगनीज, ये याद आएगा, ठीक है। दूसरा A से क्या याद आएगा? A से आपका अमोनिया हो गया। ओके, फिर M से हो जाएगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हुआ। तो इस ऑर्डर में क्लोरीन रिएक्ट करता है। तो आयरन एंड मैंगनीज से रिएक्ट किया, फिर ऑक्सीडाइज हो गया, देन इट रिएक्ट्स विथ अमोनिया, देन फाइनली इट रिएक्ट्स विथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आफ्टर मीटिंग द Cl2 डिमांड ऑफ वाटर, इट आफ्टर मीटिंग द Cl2 डिमांड ऑफ वाटर इन रिएक्टिंग द अबव, इफ एनी एक्सेस Cl2 रिमेन्स it in water, if any excess Cl2 remains in water appear as residual chlorine। सपोज आपकी 4 रोटी है, आपको 5 रोटी प्रोवाइड किया गया है, तो 4 रोटी तो आप खा लोगे, 4 रोटी इसमें रिएक्ट करने के लिए यूज़ हो गया, 1 रोटी बच जाएगा। तो 1 रोटी को क्या बोलेंगे? जो रिमेनिंग रोटी है इसको बोलेंगे रेसिड्यूअल। तो क्लोरीन जो बच गया ये रेसिड्यूअल रोटी हो गया, तो क्लोरीन हो गया तो रेसिड्यूअल क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्लोरीन डिमांड क्या हो जाएगा? क्लोरीन जो जितना प्रोवाइड कर रहे हैं, सपोज आपको 5 प्रोवाइड किए माइनस रेसिडुअल क्लोरीन, रेसिडुअल रोटी कितना है? 1 रोटी, तो 5 - 4 करेंगे 4, ये आपका डिमांड आ जाएगा। सो क्लोरीन डिमांड इज इक्वल टू क्लोरीन डोज माइनस रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, अब इसका जो ग्राफ है वो ABCD वो ग्राफ के करस्पॉन्डिंग है, इसको मैं स्किप करने वाला था लेकिन बाद में मुझे लगा कि इंक्लूड करना है इसलिए थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं, ये ग्राफ है बिटवीन आपका क्लोरीन डोज एंड आपको क्या मेजर कर पाओगे, उसका डिमांड है वो मेजर कर सकते हो क्या? नहीं मेजर कर सकते, लेकिन कितना क्लोरीन दे रहे हो ये तो मेजर कर दोगे ना, ये तो आपके ऊपर है क्लोरीन डोज। फिर कितना क्लोरीन बच रहा है ये भी मेजर कर सकते हो, तो ये मेजर करोगे आप रेसिडुअल क्लोरीन। ओके, अब जो इसका ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बना, सपोज ये आपका यहाँ तक ऐसा गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे, फिर ये ऐसा इधर चले जाएगा। ओके, अब जो ये है ये पॉइंट B है, ये A है, फिर ये आपका C है, ये D है। तो जो AB है पहले आपका रिएक्ट कैसे करता है? IM AM, आयरन एंड मैंगनीज, अमोनिया, मैग्नीशियम। सो आयरन एंड मैंगनीज है, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो ये आपका आयरन एंड मैंगनीज ही होता है, आयरन एंड मैंगनीज, ठीक है। फिर जो आपका BC पोर्शन है ये आपका अमोनिया, फिर जो आपका CD है ये आपका M से क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ तक D पॉइंट तक सब चीज़ें रिएक्ट करता है। सो D पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक थ्रू पॉइंट, ठीक है, सॉरी ब्रेक थ्रू क्लोरीनेशन, ये आपका D हो गया। अब जो आपका ये सपोज इसमें ग्राफ बना है ना, ये पॉइंट E है, तो ये जो है ना ये 45 डिग्री से बढ़ रहा है, ये आपका लेस देन 45 है, ये लेस देन 45 है, ये इक्वल टू 45 मतलब जितना क्लोरीन प्रोवाइड करे उतना ही रेसिडुअल बन रहा है, सभी चीज़ में रिएक्ट कर गया तो मतलब जितना भी प्रोवाइड करोगे वो किसी से रिएक्ट करेगा नहीं, उतना ही बढ़ते चले जाएगा, इसलिए 45 डिग्री से आगे बढ़ रहा है स्ट्रिक्टलिन। ये लेस देन 45 डिग्री है, जितना क्लोरीन प्रोवाइड करोगे ना पूरा का पूरा आपका बच नहीं रहा है, कुछ प्रोपोर्शन अमोनिया से रिएक्ट कर रहा है, इसलिए थोड़ा जो रेसिडुअल है वो कम बनेगा, तो इसलिए ये लेस देन 45 इक्वल टू 45, ठीक है। अब जो ब्रेक थ्रू क्लोरिनेशन है, इस पॉइंट पर जितना भी क्लोरीन बचता है इसको हम बोलते हैं कंबाइंड रेसिडुअल, कंबाइंड रेसिडुअल। अच्छा, अब ये पॉइंट ई का देखें सपोज, तो ये होता है आपका फ्री रेसिडुअल, फ्री रेसिडुअल। फ्री क्लोरीन क्या होता है आपका HOCl OCl माइनस, तो फ्री रेसिडुअल क्या हो जाएगा आपका जो HOCl और आपका OCl माइनस जो बच गया ना रेसिडुअल में, तो ये आपका HOCl एंड OCl रेसिडुअल हो गया, ठीक है। अगर आपको टोटल रेसिडुअल जानना है, टोटल रेसिडुअल, तो ये हो जाएगा आपका फ्री रेसिडुअल, फ्री रेसिडुअल, फ्री रेसिडुअल प्लस आपका कंबाइंड रेसिडुअल, ये आपका हो गया कंबाइंड रेसिडुअल, ठीक है। सो इसमें यही था, इसमें इतना कोई खास है नहीं, ठीक है। तो ये आपका AB आयरन मैंगनीज के लिए ये आपका AB हो गया, पूरा का पूरा ऑक्सीडाइज हो रहा है, फिर BC अमोनिया कुछ पोर्शन रिएक्ट कर रहा है, फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी अच्छा खासा डिमांड है ना, तो जितना प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है, मतलब यहाँ पर कभी अमोनिया यूज़ कर पा रहे तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, तो ये नीचे आ गया। सो जहाँ पर तक रिएक्शन आपका कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन, फिर वहाँ उसके आगे जितना भी क्लोरीन प्रोवाइड करेंगे वो एज इट इज़ किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, उतना बढ़ते जाएगा, तो वो रेसिडुअल फ्री रेसिडुअल में आपका ये टोटल रेसिडुअल या फ्री रेसिडुअल में आपका चले जाएगा, तो फ्री रेसिडुअल और कंबाइंड रेसिडुअल इसको बोलेंगे हम टोटल रेसिडुअल, ठीक है। अब होता फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन है वो आपका दूसरे कंपाउंड के थ्रू भी रिएक्ट करवा सकते हो ना, क्लोरीन या तो डायरेक्टली Cl2 डालो या तो किसी दूसरे कंपाउंड से जिसमें क्लोरीन है उसको डाल दो, तो फॉर्म्स ऑफ क्लोरीन किस किस फॉर्म में हम क्लोरीन को डालते हैं या उससे ट्रीट करते हैं, तो हाइपोक्लोराइड्स, क्लोरामाइंस, आपका क्लोरीन गैस, फिर आपका क्लोरीन डाइऑक्साइड, सो ये आपके 4 कंपाउंड्स हैं, तो वन बाय वन देखते हैं। आपका हाइपोक्लोराइड्स, तो हाइपोक्लोराइड्स में 2 रहते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड में आपका ओनली 10% ऑफ फ्लोरीन है, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लोरीन है, इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। मोस्ट कॉमनली हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसमें 30 to 35% ऑफ क्लोरीन है, ओके 30 to 35% ऑफ क्लोरीन है। इसको ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर, ये सुने भी होंगे, ऑल्सो नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। अब इसका एडवांटेज क्या है, ये इकोनॉमिकल है, फ्री क्लोरीन वाटर है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, डजंट डिजोल्व क्विकली डिजोल्व नहीं होता, लूज स्ट्रेंथ व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड लाइट, एयर एंड लाइट पे रखो तो आपका स्ट्रेंथ लूज कर देता है। कॉज कलर, ऑर्डर, टेस्ट प्रॉब्लम, कलर आ जाता है इससे, इसमें स्मेल आ जाता है और आपका टेस्ट प्रॉब्लम भी आ सकता है, और इसको हाई डोज आर रिक्वायर्ड, इसमें हाई डोज रिक्वायरमेंट है, ओके। सो ये जल्दी बढ़ गए हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करके ये ध्यान रखना। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और इसमें 30 to 35% क्लोरीन है। अब हमें क्लोरीन डोज निकालना है, क्लोरीन डोज अगर निकालना है तो ये होता है आपका, ये हो जाएगा क्लोरीन डोज इज इक्वल टू कितना ब्लीचिंग पाउडर डालने, डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इनटू परसेंटेज ऑफ Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ओके। अब लास्ट में इसके पहले एक और फॉर्मूला देखे ना, डोज ऑफ Cl2 निकाले थे, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl निकाले थे, वो क्या था आपका डोज ऑफ Cl2 इंटू परसेंटेज HOCl, तो यहाँ पर डोज ऑफ Cl2 ले रहे हैं लेकिन यहाँ पर डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ले रहे हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। जो HOCl वो मिल रहा है वो किस लिए मिल रहा है, जब Cl2 HTO से कंबाइंड हो रहा है तब आपको HOCl मिल रहा है, HOCl प्लस HCl है ना, ये मिल रहा है, तो HOCl क्या होगा, डोज ऑफ Cl2 इंटू परसेंटेज HOCl, ओके, कितना परसेंट HOCl मिल रहा है। HOCl इसका फिर नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, ये आपका रिवर्सिबल आपका H प्लस OCl माइनस, तो ये आपका रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ HOCl किससे मिल रहा है, ये आपका Cl2 से मिल रहा है। अब यहाँ पर क्लोरीन किससे मिल रहा है, जो क्लोरीन मिल रहा है ना, ये जो क्लोरीन वो आपका ब्लीचिंग पाउडर से मिल रहा है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से मिल रहा है, सो डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये डाले। अब ब्लीचिंग पाउडर डाल दिए, पूरा का पूरा Cl2 देगा क्या, नहीं, उसमें कुछ पोर्शन ही Cl2 रहेगा, सो परसेंटेज ऑफ Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में कितना परसेंट क्लोरीन है, सो उससे आपका क्लोरीन डोज मिल जाएगा। फिर इससे आपको HOCl निकालना है, सो इसको आप यहाँ पर रख के HOCl भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो इससे अगर डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर निकालना है तो इसको रिवर्स कर दो। डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर कितना आएगा, क्लोरीन डोज Cl2 डोज डिवाइडेड परसेंटेज Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ये ऐसा कोई फॉर्मूला रटने का नहीं है, अगर समझ जाओगे तो ऐसे ही डराइव कर सकते हो कि आपको HOCl मिल रहा है वो आपको Cl2 से मिल रहा है, जो Cl2 मिल रहा है वो आपका ब्लीचिंग पाउडर से मिल रहा है। ठीक है, पूरा आपका HOCl तो देगा नहीं तो परसेंटेज HOCl इंटू कर देंगे, पूरा ब्लीचिंग पाउडर Cl2 तो देगा नहीं तो इंटू परसेंटेज Cl2 कर देंगे। ठीक है, इसको रीअरेंज कर देना तो डोज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज इक्वल टू Cl2 डोज बाय परसेंटेज Cl2 इन ब्लीचिंग पाउडर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका हाइपोक्लोराइड था, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड इंपॉर्टेंट है, सोडियम हाइपोक्लोराइड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम स्किप कर दें। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरामाइंस। क्लोरीन अगर अमोनिया से रिएक्ट करे, कैसे रिएक्ट करता है क्लोरीन, आपका पहले IMAbraM, पहले आयरन मैंगनीज, फिर अमोनिया, फिर आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अमोनिया से रिएक्ट करे उसको क्लोरामाइंस बोलते हैं। Cl2 + H2 आपको HOCl मिलेगा, फिर HOCl NH3 अमोनिया से रिएक्ट करिए तो NH2Cl मिला, फिर आपका HOCl फिर NH2Cl से रिएक्ट करे फिर NHCl2 मिलेगा। एक एक H कम होते जा रहा है, Cl2 बढ़ते जा रहा है, फिर आपका HOCl NHCl2 से रिएक्ट करे तो NCl3 बनेगा। तो यहाँ पर क्लोरीन कितना है 1, तो मोनोक्लोरामाइन हो गया, 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोरामाइन, 3 है तो ट्राइक्लोरामाइन। ठीक है, और जो एफिशिएंट है ये आपका एफिशिएंट मोनोक्लोराइन का ज़्यादा है, फिर डाइक्लोरामाइन का कम है, फिर सबसे कम आपका ट्राइक्लोरामाइन का है। ठीक है, अब जो ये अब जो मोनोक्लोरामाइन है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तो है, ये कब फॉर्म होता है जब pH आपका ग्रेटर देन आपका 8 हो। ठीक है, ये ग्रेटर तो जितना ज़्यादा pH रहेगा ना उतना ज़्यादा आपका मोनोक्लोरामाइन फॉर्म करेगा। सो ये फॉर्म करता है 4.528 पे मोनोक्लोरामाइन एंड डाइक्लोरामाइन, फिर आपका ओनली डाइक्लोरामाइन का फॉर्म करता है, ये आपका 4.525 थे, और सिर्फ ट्राइक्लोरामाइन आपका pH लेस देन 4.4 है। ये मैंने इंक्लूड नहीं किया क्योंकि अब तक ये भी नहीं पूछा गया है, सो pH का तो बात ही नहीं है, तो इसलिए मैंने ये इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, अब ये इतना इंपॉर्टेंट मैंने नहीं समझा कौन ज़्यादा इफेक्टिव है, ये अगर इनकेस पूछ दिया गया तो मैंने ये कवर कर दिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप करते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड इंस्टेंट किल इंडिपेंडेंट ऑफ pH, और ये आपका एक्सपेंसिव रहता है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है जो आपका सब ये इंपॉर्टेंट है, काइनेटिक्स ऑफ डिसइंफेक्शन। अब जो डिसइंफेक्शन है, सपोज डिसइंफेक्शन आपका आप पानी में डाले, ठीक है, तो शुरू में आपका जो जितना भी पैथोजेंस है वो धीरे धीरे फिर कम होते जाएगा। अब कितना कम होगा, सपोज पहले आपका NT था, ये जो है ये अमाउंट ये आपका NT है, तो सॉरी ये इनिशियल है, ये आपका N0 है, तो बाद में कितना हो जाएगा, ये आपका NT हो गया है ना, कुछ टाइम बाद डिक्रीज हुआ ना तो कम हो गया, तो कितना आपका डिक्रीज हो गया, कितना डिक्रीज हो, कितना अमाउंट, कितने माइक्रोऑर्गेनिज्म ख़त्म हो गए, सो ये हो गए आपके N0 - NT। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है, सो इसका इक्वेशन होता है NT = N0e⁻ KT। ये फॉलो करता है आपका चिक्स लॉ। ठीक है, अब पहले हम देखे थे NT = N0e⁻ KIT या फिर ln NT/N0 = -KIT। ये आपका UV के लिए था, ध्यान रखना ये UV के लिए था, वेयर T ये आपका टाइम है, ये माइक्रोवाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, K का यूनिट इसका इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि डायमेंशनलेस होना चाहिए। यहाँ पर टाइम है, T टाइम हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका टाइम इन्वर्स हो जाएगा, टाइम इन्वर्स। ठीक है, तो इसमें I नहीं है, ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सिंपल है। अब एफिशिएंसी निकालना है कि किल तो कर रहा है लेकिन एफिशिएंट कितना है, एफिशिएंट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा N0 - NT, कितने ख़त्म हुए बाय इनिशियल, इनिशियल क्या है आपका N0 × 100। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 1 - NT/N0 × 100 ये लिख सकते हैं, लेकिन NT/N0 क्या है, N0 इधर ट्रांसफर कर दिए तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 - e⁻ KT। ये आपका एफिशिएंसी हो गया। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी हो गया, या तो ऐसे निकालना चाहो ऐसे निकाल लो, या इसको रिड्यूस करके आप ऐसे निकालो, जैसे करना। एक होता है रिमूवल, तो है रिमूवल इन लॉग, डेट इज लॉग रिमूवल, log ⁻¹⁰ रिमूवल, तो वो क्या होता है कितना रिमूव करा इन टर्म्स ऑफ लॉग, सो होता है लॉग ऑफ इनिशियल कितना है आपका N0, तो log of N0, लॉग लिख रहा हूँ तो base 10, ln तो बेस e, ये ध्यान रखना, सॉरी प्लस नहीं माइनस, माइनस log of NT, कितना रिमूव हुआ, तो ये हो गया लॉग रिमूवल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर फॉर्मूला पूछा गया, एक बार पूछा गया इसमें। ठीक है, ज़्यादा ऐसा कुछ याद करने के लिए है नहीं। ठीक है, एनटी आपको पता है कि नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट टाइम टी आफ्टर टाइम टी, एन नॉट इनिशियल नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टी आपका टाइम क्या है कांस्टेंट टाइम सॉरी कांटेक्ट टाइम या डिटेंशन टाइम, आपका जो के है ये आपका डिसइंफेक्शन रेट कांस्टेंट, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है ओके इसी को तो एन टी इज इक्वल टू एन नॉट एटी माइनस के टी लॉग रिमूवल परसेंटेज रिमूवल एन नॉट माइनस एन टी बाई एन नॉट इन 200 इसको रिड्यूस किया 1 माइनस ई टू वन माइनस के टी इन 200 लॉग में लिखा है तो लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन टी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है आपका इस जो भी इसका काइनेटिक्स हो रहा है डिसइंफेक्शन में तो वो रहता है सी टू दावर एन इंटू टी रहेगा ना, ये हमेशा आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सी क्या है, ये आपका कॉन्सेंट्रेशन है, किसका कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, HOCl से डिसइंफेक्शन मोस्टली होता है ना, दो क्लोरीन रहते हैं HOCl और OCl माइनस, इसमें पावरफुल कौन सा है HOCl, तो ये हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl कभी कभी इसको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी इसको Cl2 डोज भी बोलते हैं, जितना ज़्यादा Cl2 डोज है उतना ज़्यादा HOCl होगा, लेकिन HOCl किस पे डिपेंड करता है, HOCl क्या था परसेंटेज HOCl था आपका 1 प्लस के बाय एच प्लस, ठीक है, ये परसेंटेज HOCl था तो Cl2 डोज से भी तो Cl2 डोज पे तो रहेगा लेकिन परसेंटेज HOCl पे भी रहेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है एच प्लस डेट इज़ पी एच पर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपका Cl2 डोज लिखते हैं लेकिन कब लिखते हैं, ये आपका जब पी एच आपका कॉन्स्टेंट हो तब आपका ये कभी कभी Cl2 डोज ले लेते, कंफ्यूज हो रहा है इसको स्किप कर दो, इसको रहन दो। तो C क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, ठीक है। टाइम आपको पता ही है आपका कॉन्टैक्ट टाइम या आपका डिटेंशन टाइम, ठीक है। अब जो N है ये है आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। सो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये कब यूज आता है, सपोज एक H प्लस है, सपोज एक PH है, उसके करस्पॉन्डिंग आपका H प्लस आया, H प्लस के करस्पॉन्डिंग परसेंटेज HOCl हुआ, उसके करस्पॉन्डिंग आपका कॉन्सेंट्रेशन हुआ। सो एक कॉन्सेंट्रेशन कितने टाइम तक डिसइंफेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है, डिटेंशन टाइम कितना है, सो उसका मल्टीप्लिकेशन सपोज आप pH रिड्यूस कर दिए, इसको कॉन्सेंट्रेशन किए सॉरी इसका मल्टीप्लिकेशन दिखे तो कुछ कॉन्स्टेंट आ रहा है, ठीक है, कुछ वैल्यू आया, सपोज कॉन्स्टेंट नहीं बोलना चाहिए, कुछ वैल्यू आया, सपोज A वैल्यू आया। अब pH चेंज कर दिए, pH कम ज़्यादा कर दिए, pH कम ज़्यादा किए उससे आपका C चेंज हो जाएगा है ना, तो उसका टाइम भी चेंज हो जाएगा डिटेंशन टाइम, तो उसका जब मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो उससे आ रहा है बी आ रहा है, तो दोनों को देखेंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके सो सी टू द पावर एन इंटू टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेयर सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl, इसको भूल जाओ HOCl, टी आपका कांस्टेंट टाइम डेट इज डिटेंशन टाइम और एन आपका डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। सो आपके काइनेटिक्स और डिसइंफेक्शन से भी क्वेश्चन आए हैं, इससे क्वेश्चन आए हैं, फिर आपका जो HOCl डोज है HOCl डोज ऑफ Cl2 इससे क्वेश्चन आए हैं, फिर आपका क्लोरीन डिमांड इससे भी आए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल है सबसे आए हैं, फिर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। तो जो भी न्यूमेरिकल है इसको छोड़ना नहीं है, थ्योरी तो आप कवर कर ही लेना, ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है उसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको कवर करनी है, ठीक है। इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। Thank you very much.